गीधा काम कर रहे हैं। गीधा पंचायत के गरीब पंचायत भी गरीब मजदूर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कोरोना के समय हम लोग प्रदेश से जब अपने गांव लौटे तो हम लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। सरकार की योजना हम लोगों की समस्या खत्म कर दी है तथा रोजगार मिलने से हम लोगों के समक्ष जो समस्या उत्पन्न हुई थी वह आज खत्म हो गई है। वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रमोद शाह ने बताया कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पंचायत स्तर पर लाकर मजदूरों को रोजगार तथा पंचायत का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए अच्छी है। सरकार को मनरेगा के तहत पंचायतों में रोजगार मुहैया करवाना चाहिए ताकि गांव में रहकर ही लोग काम कर सकें। जी चाचा, अपन नाम का हो? रुकड़ महतो। ये कार्य से कितना संतुष्ट बने? बहुत हम खुशी बनी ये काम से। का है खुशी बनी? अब हमार बाहर भी नेकी जात हम रोजगार में भी हम मिलल बनी कमातानी हम। में तो कम पैसा मिले कम मिलो व बेसी मिलो वही में हाजिर बानी। रोजगार से खुश बानी? हाँ हाँ बहुत खुश बानी। सरकार के का कहे तो खुश बानी तो एकदम हम जो पूछेगा तो हम कहेगा जो हम रोजगार में हम शामिल बानी है यही में हम बाहर ना जाइने हम यही में कमाई ने 2 रुपया मिले 5 रुपया मिले हम वही में खुशी बानी। ये काम जो होता जी पंचायत में जी सरकार के बहुत स्कीम बटे कि पंचायत में जो मजदूर बा के काम देखल जाओ बस तो काम रुआ मिलता। हाँ हमरा एकदम हमरा मिलता एकदम। आई जो गड्ढा के मतलब नाली के सफाई होता जी एमे लमसम कितना मजदूर हुई लोग? ए मैंने 60 गो 70 गो ए तरह चला होता लो 70 गो मजदूर के काम मिलता जी मिलता। हाँ। तो सरकार के का कहे वो का कहे हम कहम जी हम खुशी बनी ओमे हम राजी बनी हमें। जितने भी पंचायत स्तर पे कार्य जो पड़ा है उसको जल्द निपटाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली की तरह योजना है सरकार की योजना जितना भी है धरातल पर हम कोशिश करेंगे जितना भी उतर जाए उतना काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि मनरेगा में जो है कम रेट मिलता है और मजदूर जो है गांव के ज़्यादा पैसा पे? हमारे ग्रामीण जनता हमारे पंचायत के जितने भी कार्य कर रहे हैं मजदूर हम जितने भी 198 रुपये का मजदूरी है 198 रुपये में भी खुश है। सरकार को क्या कहिएगा अगर रोजगार? सरकार के हम यही कहेंगे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जितने भी मजदूर जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर में रह रहे थे वो आकर हमारे पंचायत में काम कर रहे हैं दिन दुना रात चौगुना ऐसा ही करते रहें कि हमारे समाज के अंदर सरकार की विकास हो। पंचायत समिति प्रदीप कुमार शाह मनरेगा के तहत ये काम हो रहा है। प्रवासी जितने भी मजदूर हमारे पंचायत के अंदर हैं पूर्व से भी आज भी हम सब लोग प्रयास करते हैं कि जितना भी हमारे पंचायत में ब्लॉक स्तर से लड़के झगड़ के सरकार की योजना धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा काम लगभग शिव मंदिर से लेकर रामसी शाह के घर तक चल रहा है। एक बार पे योजनाएं चल रही है तो क्या अगर यहाँ रोजगार मिलता है तो आप लोग बाहर जाइएगा? रोजगार यहाँ मिलेगा तो बाहर जाने से कोई फायदा ही नहीं है यहीं पे हम लोग काम करेंगे। जय कुमार, यहाँ जो कार्य हो रहा है इससे आप लोग कैसे संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट है हम लोग इस काम से। पहले आप लोग बाहर काम करते थे जी, अब यहाँ काम हो रहा है तो कैसे संतुष्ट? काम तो यहाँ हो रहा है तो हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। रोजगार पहले बाहर में इतना नहीं चल रहा था, जब भी चल रहा भी था तो जो नया प्रत्याशी जीते हुए प्रदीप कुमार साहब वो मनरेगा द्वारा काम करा रहे हैं तो हम लोग सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ जब रोजगार की अगर व्यवस्था हो जाती है तो बाहर आप लोग को जाने की इच्छा? जब रोजगार का व्यवस्था यहाँ पे हो जाए तो बाहर हम लोग नहीं जाएंगे यहीं पे काम करेंगे हम लोग। सरकार R9 भारत के लिए सिकटा से रीजेंट गिरी की रिपोर्ट।